हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं स्मार्ट लोन एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने स्मार्ट लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इससे लोन ले लिया है या फिर लोन लेने वाले हैं तो अभी आप रुक जाइए और ये वीडियो पूरा जरूर आखिर तक देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ये क्या ये एप्लीकेशन रियल ऐप है या फिर फेक ऐप है और क्या आपको इससे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट लोन ऐप के बारे में कि क्या एक ये रियल ऐप है या फिर फेक ऐप है। तो स्मार्ट लोन एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे कई महीनों से उपलब्ध है और इसके लगभग अभी 5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर खोल के प्ले स्टोर पे लाइव यदि दिखा देता हूँ स्मार्ट लोन ऐप की, आपको पूरी सच्चाई आपके सामने दिखाऊंगा, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एक तरह के दोस्तों फेक एप्लीकेशन है या फिर मैं कहूँ तो ये चाइनीज एप्लीकेशन है। और अगर आपने इससे लोन ले लिया है तो आपको पेमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और इसकी जो रेटिंग है दोस्तों प्ले स्टोर पे वो 4.9 स्टार से भी ज़्यादा है। तो इन सभी के बीच अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोन ले चुके हैं तो क्या इसको आपको पेमेंट कर देना चाहिए। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 110% फेक ऐप है, इसकी वो लोग गारंटी देते हैं, ये आपकी डाटा चोरी करने का काम करती है ये एप्लीकेशन। और साथ ही में जब आप इस पर साइन अप करेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों इस एप्लीकेशन पर जब आप लोग साइन अप करते हैं तो साइन अप करते ही आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, गैलरी है, उन सबको हैक कर लिया जाता है इस एप्लीकेशन के द्वारा। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट खासकर और साथ ही साथ में यहाँ पे गैलरी, इन दोनों चीज़ों को हैक किया जाता है। और इसके बाद फिर दोस्तों लगातार आपसे ब्लैकमेलिंग बोला जाएगा, आपके साथ किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी ब्लैकमेलिंग की जाएगी। तो ब्लैकमेलिंग का क्या मतलब हुआ कि जो लोन आपको मिलेगा वो 2000 का होगा। ध्यान दीजिए, जो लोन का अमाउंट मिलता है वो लगभग 2000 होता है और रीपेमेंट करने के लिए कहते हैं ये लोग 5000, 10000 इस तरह से। और पेमेंट कर देने के बाद भी ये लोग आपको ब्लैकमेलिंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, आपको धमकी देते हैं कि आपकी जो फोटोज़ हैं उसको एडिट करके आपके कॉन्टैक्ट को सेंड कर देंगे। इसी वजह से काफ़ी लोग डर जाते हैं और डर के मारे बहुत ज़्यादा पेमेंट कर देते हैं, 5000, 10000, 20000। उसके बाद भी ये एप्लीकेशन वाले उनको टॉर्चर करना छोड़ेंगे नहीं, हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे आखिर आ कैसे जाती है। तो इसका जवाब तो अभी तक कहीं भी नहीं मिल पाया कि कैसे प्ले स्टोर पे ये सब एप्लीकेशन को इजाज़त मिल जाती है आने का। और साथ ही साथ में ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको डाटा को जो चोरी करती है उसको भेज देती है, यानी कि ये एप्लीकेशन एक चोर एप्लीकेशन है और 100% चाइना से ऑपरेट होती है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा जिससे कि आप इस एप्लीकेशन से बच सकते हैं बिना लोन दिए भी, और साथ ही में आपको फिर एक भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, अगर यहाँ से आपको ब्लैकमेलिंग की जाती है तो ब्लैकमेलिंग से दोस्तों बचने का यहाँ पे एक उपाय है। सबसे पहला उपाय दोस्तों, कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक हुआ है तो अगर आप चाहते हैं कि ये अगर हैक ना हो तो फिर जल्दी से एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर जल्द से जल्द आप अपने एप्लीकेशन को फ़ोन से अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक होने से 100% बच जाएगी। इन केस कि आप अपने फ़ोन से इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल तुरंत नहीं कर पाते हैं तो फिर सेकेंड केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने कॉन्टैक्ट को मैसेज कर दें कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है, एक स्कैम हो चुका है और कोई एप्लीकेशन है जो मुझे तंग कर रही है। जिससे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे अगर कोई फोटो आपके सेंड भी करता है एडिट करके तो उसको समझ में आएगा कि ये एडिट फोटो है या स्कैम वाला कोई आदमी होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि ये लोग आपको काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं, धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो ये सब कुछ आपके साथ किया जाता है व्हाट्सअप पे और साथ ही में फ़ोन कॉल पे बहुत ज़्यादा धमकी दी जाएगी और बहुत ही गंदी तरीके से बात किया जाता है। तो इससे बचने का दोस्तों एक रास्ता है यहाँ पे कि आपको अपना जो नंबर है वो टोटली 10 डेज के लिए बंद कर देना होगा या और व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी किसी भी अननोन मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है। कितना भी वो लोग मैसेज करें आपको उसको ब्लॉक करके उसको रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और साथ में 10 डेज तक इनका या तो कॉल नहीं उठाइए या फिर अपना नंबर बंद कर दिए जिस नंबर से आपने साइन अप किया था। अगर आप इतना कर लेते हैं तो फिर ये एप्लीकेशन फ्यूचर में कभी भी आपको तंग नहीं करेगी। अब चलिए मैं आपको इसका रिव्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4.9 स्टार रिव्यू है, मैं अभी आप प्ले स्टोर पे चेक कर रहा हूँ और लोगों ने पहले से लिख रखा है कि ये एप्लीकेशन दोस्तों काफ़ी कम लोन देती है और जो आपसे रिपेमेंट करने के लिए अमाउंट मांगती है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके बाद भी ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे 100% फेक है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन कुछ ही समय में बंद हो जाएगी क्योंकि इसके खिलाफ अब साइबर क्राइम में हम लोग रिपोर्ट करने वाले हैं। इसके बाद ये एप्लीकेशन ज़्यादातर टिक नहीं पाएगी। 7000 एक बंदे ने दोस्तों यहाँ से 7000 लोन लिया था और उसने रिपेमेंट किया 25000। आप सोच सकते हैं कि कितना का अंतर आ गया, लगभग 3 से 4 गुना यहाँ पे रिपेमेंट करने के लिए कहा जाता है। तो बिल्कुल भी ऐसी एप्लीकेशन से बच के रहें और अपने दोस्तों को भी बचाएं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए चलता हूँ आज के इस वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द।